फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो वो लॉस कैसे होता है और कितना होता है। और तीसरी चीज़ कि इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जो कि बोर्ड में आने के चांस है। अब तक वैसे कोई न्यूमेरिकल इसका नहीं आया है, इसका डेरिवेशन और ये लॉस ऑफ एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं अभी हम कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखिए बेटा, पहली बात तो ये कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कि ऑलरेडी चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली दो कंडक्टर है, एक मान लेते हैं कि ये है, दूसरा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। जो ये पहला कंडक्टर है इसको नाम दे दिया ए, दूसरे वाला कंडक्टर है हमारा बी। सपोज़ दैट इसका जो पोटेंशियल है वो वी वन है, इसका पोटेंशियल आपका वी टू है। इस पे इनिशियली इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी वन है, इसकी कैपेसिटी कितनी है सी टू है। सो इस पे चार्ज कितना होगा, आपको बताया चार्ज होता है आपका सी इंटू वी। सो यहाँ पे हो गया सी वन इंटू वी वन। सपोज दैट इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, क्यू टू सी टू इंटू वी टू। तो ये तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे कितना चार्ज है, वहाँ पे कितना चार्ज है। अभी क्या करते हैं हम, सपोज दैट कि दोनों को, जो आपके कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी एक वायर ले ली मैंने, इससे कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना ये क्या है, आपकी एक थिन बहुत पतली वायर है जिसका कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है, कि भाई इन दोनों पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इस चीज़ का कैपेसिटेंस कितना है इसका, नेग्लिजिबल है। और दूसरी चीज़ कि ये दो दोनों कंडक्टर हैं वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं कि दोनों आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन या म्यूचुअली फोर्स फील ना करे, म्यूचुअली क्या हो, रिपल्शन ना हो उनमें। जैसे एक यहाँ रख देते हैं, दूसरा यहाँ रख देते हैं, दोनों को बस खाली एक तार से जोड़ दिया, ठीक है। अब होता क्या है, अभी हम बात कर रहे थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। फिलहाल आपके पास एक कंडक्टर था, दूसरा कंडक्टर था, दोनों पे चार्ज गिवन है, एक पे सी वन वी वन है, दूसरे पे आपका सी टू वी टू है, ओके। अब हमने एक वायर कनेक्ट कर दी जिसका नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस है, और उसमें वो दोनों जो कंडक्टर है वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब होता क्या है, आपको पता है चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो स्टार्ट हो गया। चार्ज फ्लो स्टार्ट कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ हायर पोटेंशियल है और जहाँ लोअर पोटेंशियल है। सो भाई चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक क्या है, ये बर्तन है मान लेते हैं एक, जिसका पोटेंशियल जो है यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है। एक दूसरा बर्तन है आपके पास, ठीक है, इसमें कम पानी है, यहाँ तक है इसमें ना। दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया आपस में नीचे से, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से पानी यहाँ ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, केवल और केवल कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल या दोनों की हाइट जो है मेंटेन ना हो जाए, दोनों की हाइट बराबर ना आ जाए। सो हायर टू लोअर ही जाता है ऑलरेडी चार्ज। सो चार्ज फ्लो स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से कहाँ, जहाँ आपका हायर पोटेंशियल होगा। हायर से कहाँ जाएगा बेटा, ये आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कि जो आपका हायर पोटेंशियल है वो वी वन हो, या फिर हो सकता है वी टू हो। यदि वी वन ज़्यादा है तो वी वन से वी टू को ट्रांसफ़र होगा, और यदि वी टू ज़्यादा है तो वी टू से वी वन की तरफ ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब तक कि जो आपका टोटल दोनों का पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए, अनटिल पोटेंशियल जो आपका क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए दोनों का। मान लेते हैं दोनों का जो पोटेंशियल है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ना, कि भाई चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ या यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और कब तक ट्रांसफ़र हुआ, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल बराबर हुआ है वो हमारा V है, चार्ज के ट्रांसफ़र के बाद। पहले तो इनिशियली वी वन और वी टू था, अब क्या हो गया, आपका V पोटेंशियल हो गया है, कि जब आपका जो चार्ज का आदान प्रदान था वो रुक चुका है, ओके।
तो बेटा इसी चीज़ को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि भाई दो कंडक्टर थे आपके पास, दोनों आपने एक तार जोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, चार्ज का आदान प्रदान हुआ, कहाँ से कहाँ, हायर टू लोअर पोटेंशियल, और कब तक होता है, जब तक कि बोथ बॉडीज़ का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसे आप लिख भी सकते हैं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता क्या है। सो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे, इफ़ वी जॉइंड टू कंडक्टर बाई अ थिन वायर, यदि हम दो कंडक्टर को एक थिन वायर से जोड़ दें, सो क्या होता है, देन चार्जेस स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट होना। अब देखो, हमने माना कि भाई वी पोटेंशियल पे क्या होता है, दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट होना रुक चुका है। ओके, अब यहाँ से ना यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा चार्ज, ना यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, वी पोटेंशियल पे आपका हो गया है। अब यदि मैं पूछूँ आपसे कि भाई नेट पोटेंशियल वी की वैल्यू क्या है, आपको बताया कि भाई जो इनिशियली चार्ज था, टोटल इनिशियल चार्ज कितना था, क्यू वन प्लस क्यू टू था, लेकिन जैसे ही चार्ज आदान प्रदान हुआ, जैसे सपोज़ दैट ये ए जो हमारा था, ये हमारा बी है, यहाँ पे पहले चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे था 8 माइक्रोकूलम, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, इसका पोटेंशियल कम था, यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। होता क्या है कि जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर आता है, तब तक यहाँ पे चार्ज रह जाता है कितना, 6 माइक्रोकूलम, और यहाँ हो जाता है बेटा कितना, 12 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है कि भाई जो चार्ज है वो क्या करता है, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चार्ज इनिशियली कितना था, 10 और प्लस 8 18 माइक्रोकूलम था, लेकिन फाइनली आप देखेंगे तो वो भी क्या होगा, 18 माइक्रोकूलम ही होगा, बस केवल यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होकर इसमें चला गया है। सो भाई इनिशियली चार्ज क्या था, क्यू वन प्लस क्यू टू, फाइनली चार्ज भी आपका क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू, ये टोटल चार्ज है आपका। और नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एक का सी वन है, दूसरे का क्या है, सी टू है। सो यदि मैं पोटेंशियल निकालूँ कि जो आपका कॉमन पोटेंशियल आया है, कॉमन पोटेंशियल जिसे हमने वी नाम दिया है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, क्यू इजकल टू सी वी होता है। सो वी इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी, मतलब जो आपका टोटल चार्ज था ऑन द बॉडीज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है आपका, क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। सो आपके पास पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आया कॉमन वाले का, कि सारा चार्ज जो दोनों बॉडीज पे है डिवाइड बाई दोनों का कैपेसिटेंस। सो वी इजकल टू आपके पास आ गया बेटा क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। इसे यदि हम पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें ए और बी बॉडीज़ की, सो ये क्या बन जाएगा, क्यू इजकल टू क्या होता है, सी वन वी वन। सो ये बन गया बेटा आपका सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। ये आपका जनरली कॉमन पोटेंशियल हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। इसका आगे हम यूज़ करेंगे किसमें, जब हम लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। ये था आपका एक छोटा सा कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अब वो कब तक होता है, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो वो कितना होता है,
C1V1 + C2V2 / C1 + C2, इतना आपका कॉमन एक पोटेंशियल बन जाता है। अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है, क्या उसमें एनर्जी का लॉस होता है या एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है और कैसे होती है, होती है तो लॉस कितना होता है? देखिए, इनिशियली देखा जाए तो इसके पास कितनी एनर्जी है, आपने पढ़ा था कि जो एनर्जी ऑफ एक कैपेसिटर होता है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ ऑफ CV2। जिसने ये लेक्चर ना देखा हो वो लेक्चर देख सकता है पीछे वाला, इससे लिंक यहाँ नीचे गिवन है। तो बेटा कोशिश करना कि वीडियो को लास्ट तक देखें आप, इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे बेस है, तो वो एग्ज़ाम में आने के चांस है। क्या है, इसके पास एनर्जी है हाफ ऑफ C1V1 square, इसके पास इनिशियली एनर्जी है हाफ ऑफ C2V2 square। अब जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें चेंज आएगा, इसका मतलब यदि एनर्जी में ट्रांसफ़र हो, चार्ज में चेंज आ रहा है तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो कहाँ से कहाँ हो रही है, पहले टोटल एनर्जी थी आपकी दिस प्लस दिस, इनिशियली तो इतनी थी, फाइनली एनर्जी कितनी आती है, ज़्यादा आती है तो इसका मतलब गेन हुआ है, कम आती है तो इसका मतलब लॉस हुआ है एनर्जी का। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है उसमें एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है या गेन होता है। यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि लॉस ऑफ एनर्जी है, सो अभी बताता हूँ आपको कि लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो कैसे होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये आपकी ए बॉडीज है, ये आपकी बी है, तो इसकी इनिशियल जो एनर्जी है बेटा, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो वो कितनी होगी, इसकी हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ CV2, इसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ C1V1 square, प्लस दूसरे वाले की हो जाएगी हाफ ऑफ C2V2 square। ये आपकी इनिशियली एनर्जी है जो कि आपकी क्या है, बिफोर कनेक्टिंग वायर, ये वायर को कनेक्ट करने से पहले है। लेकिन जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है आफ्टर कनेक्शन, आपकी फाइनल एनर्जी आ जाती है हाफ ऑफ, क्योंकि कनेक्शन होने के बाद क्या होता है, चार्ज का तब तक फ्लो होता है जब तक कि इनका नेट पोटेंशियल क्या ना हो जाए दोनों बॉडी का, वी हो जाए। और वी का हमारा फॉर्मूला क्या आया था, C1V1 + C2V2 / C1 + C2। सो इस बॉडीज के पास भी कितनी एनर्जी होगी, हाफ ऑफ C1V2, इसके पास कितनी हो गई, हाफ ऑफ C2V2, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम है आपका। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ ऑफ C1 + C2V2, V की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाफ ऑफ C1 + C2, V की वैल्यू है आपकी ये रही C1V1 + C2V2 / C1 + C2 whole square। थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C1 + C2 इसका स्क्वायर खोल दीजिए, C1V1 + C2V2 इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में C1 + C2 whole square। एक C1 + C2 इससे कट जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल एनर्जी बचेगी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन वो हो जाएगी आपके पास हाफ C1V1 + C2V2 / C1 + C2। अब देखिए ज़रा इस इक्वेशन को देखो, फाइनल वाले को और देखिए इनिशियल वाले को, क्या लग रहा है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। देखिए इसमें डिवाइड में कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में क्या है, C1 + C2 है, इसका मतलब ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स देयर विल बी लॉस। यदि लॉस है तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस को कैसे निकलता है, आपका इनिशियल ज़्यादा हो और फाइनल कम हो, सो इनिशियल माइनस फाइनल, सो लॉस ऑफ एनर्जी, उसे हम नाम दे देते हैं डेल यू, वो कितना आ जाएगा, यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल, दोनों की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। सो इनिशियली आपके पास गिवन है हाफ ऑफ C1V1 + हाफ ऑफ C2V2 square,
माइनस साइन के साथ ये टर्म रख दीजिए यहाँ पे, हाफ ऑफ वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, यहाँ पे आ गया सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को खोल दीजिए, आपके पास क्या बनेगा, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वन प्लस सी टू, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन सी टू वी वन वी टू, ये आपके पास बना। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम आ गया सी वन प्लस सी टू, तो सी वन प्लस सी टू की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी आपकी। सो क्या करते हैं, एलसीएम ले लिया मैंने पूरे का, इसका नीचे रख देते हैं यहाँ पे, ये पूरा टर्म आ गया सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अब सी वन की मल्टीप्लाई एक बार इसमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे टू है टू है टू है, टू तो नीचे ही आ गया पूरा, ये आपका हो गया टू सी वन प्लस सी टू। सो सी वन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें एक बार, तो सी वन की मल्टीप्लाई से ये टर्म बनेगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस, इस सी वन की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। फिर इस सी टू की कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, प्लस सी वन सी टू वी वन स्क्वायर, फिर सी टू की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, आपके पास चारों टर्म आ गए। माइनस साइन के साथ ये सारा टर्म आएगा, माइनस साइन की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आपका माइनस बन गया सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका फिर बन गया माइनस सी टू वी टू स्क्वायर और दैट इज ऑल्सो माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू, आपके पास ये बन गया एक्सप्रेशन आपका, जो भी आपके पास आया है, जो कट टर्म कट रहा है उसे काट दीजिए, सी वन वी वन स्क्वायर सी वन वी वन स्क्वायर सी टू वी टू स्क्वायर सी टू वी टू स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, सी वन सी टू सी वन सी टू सी वन सी टू, तो दोनों में कॉमन है सी वन सी टू, कॉमन ले लेते हैं इस चीज़ को, तो जो आपका कॉमन आ रहा है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, सी वन सी टू, नीचे आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ सी वन प्लस सी टू है, यहाँ पे क्या बचेगा, ये वी वन स्क्वायर है यहाँ से, यहाँ वी टू स्क्वायर, सो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, माइनस साइन के साथ क्या बचेगा, टू वी वन वी टू, इसे थोड़ा सा सही से लिखा जाए तो ये ऐसे बन सकता है, हाफ ऑफ सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे क्या है सी वन सी टू है और मल्टीप्लाई में आ गया वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। सो जो आपके पास जो एनर्जी का लॉस आया उसका फाइनली फॉर्मूला आपके पास आया सी वन सी टू बाई ट्वाइस ऑफ सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन दो या तीन मार्क्स में आ जाता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली, इस पे बेस न्यूमेरिकल अभी तक नहीं आया है, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है। सो बेटा ये होता है आपका लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब ये जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है वो क्या दिखता है ऐसा, तो बेटा क्या होता है कि जब आप दो बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो जब तक चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसे तो बोलते थे हम क्या, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लेकिन एनर्जी का लॉस हो रहा है, लॉस किस फॉर्म में होता है कि जो आपकी वायर है वो क्या होती है, वो हीटअप हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, सो हीट की फॉर्म में लॉस होता है। सो ये वो लॉस है जो आपका हीट की फॉर्म में होता है, कब, जब आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। अभी हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने जो कि क्या है कि आपके 2015 में आया है ये क्वेश्चन बोर्ड में ना, लेकिन 5 साल पहले आया तो चांस है कि इस बार भी आ जाए, सो इसलिए इसे समझ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, टू कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टिंग फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। मान लेते हैं आपके पास दो कैपेसिटर है, एक ये है एक ये है, दोनों कैपेसिटर पहले तो जोड़े गए हैं, इसकी वैल्यू C1 है इसकी वैल्यू C2 है, पहले जोड़े गए हैं सीरीज में,
किसके साथ? 100 वोल्ट की बैटरी के साथ में। यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ जुड़े गए हैं। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड में क्या बोल रहा है? देन इन पैरेलल, इन्हीं दोनों कैपेसिटर को फिर पैरेलल में जोड़ दिया गया है और दोनों को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। वही सेम बैटरी है, कितने की? 100 वोल्ट की। इसकी वैल्यू C1 है, इसकी वैल्यू C2 है। ये हमें गिवन है। इफ़ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशन इज 0.045 जूल, जो पहला कॉम्बिनेशन है आपका, इसमें जो एनर्जी है आपकी वो गिवन है टोटल जो कैपेसिटर के अंदर है 0.05 जूल, 45 जूल। यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे है 0.25 जूल। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, आल्सो कैलकुलेट चार्ज ऑन दिस एंड दिस। इस पे चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको केवल एक बैटरी का पोटेंशियल गिवन है और एनर्जी गिवन है, तो पहले हम शुरू करते हैं एनर्जी से ही कि भाई जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपका नेट सी कितना बन जाएगा। सीरीज में क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो 1/C हो जाता है। सो 1/C1 प्लस 1/C2, सो नेट सी आपके पास आ गया C1C2 बाई C1 प्लस C2। सो सीरीज के अंदर आपकी जो पोट एनर्जी हो जाएगी यू, वो कितना होगा? हाफ ऑफ C1C into V² होता है, नेट सी इनका हो गया ये रहा हाफ C into V², हाफ ऑफ सी की वैल्यू ये है आपके पास C1C2 बाई C1 प्लस C2। ये आपका नेट से कैपेसिटेंस आ गया। पोटेंशियल आपको गिवन ही है, कितना है? 100 है आपके पास स्क्वायर। और एनर्जी भी आपको गिवन है किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो है आपके पास 0.045। ओके, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं नंबर एक इक्वेशन। ये सीरीज वाली है आपकी, पैरेलल पे चलते हैं हम। जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो जो आपकी एनर्जी होगी पैरेलल और सीरीज वो कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ नेट सी कितना है बेटा? C1 प्लस C2। पोटेंशियल आपका वही सेम V², सो यहाँ पे बन गया ये हाफ ऑफ C1 प्लस C2। वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर आपका ये 100 का स्क्वायर और दैट इज़ इक्वल टू कितना है? ये आपका 0.25 है आपकी। ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन है, हाफ ऑफ C1 प्लस C2 दिस और हाफ ऑफ दिस इक्वल टू 0.45। इन दोनों इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है। यदि मैं यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो कितनी मिल जाएगी आपको? C1 प्लस C2 इक्वल टू हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई में आ गया 2 और डिवाइड में आ गया 10^4। ये इधर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10^-4। C1 प्लस C2 की वैल्यू आपको निकल गई, ये से मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन कितना है। C1 प्लस C2 का आंसर आया आपका दोनों का कॉम्बिनेशन का 0.5 × 10^-4। ओके, अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के हम डाल देते हैं इसके अंदर भाई, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन निकालना है। सो हम क्या करते हैं, इसे हमने पुट कर दिया इसमें, 0.045 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाई, C1 प्लस C2 ये रहा आपका 0.5 × 10^-4 मल्टीप्लाई में 10^+4 है आपका। तो यहाँ से क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर, ये सारा टर्म इधर पहुँचेगा, ये 10^-8 हो जाएगा, इधर आके -8। सो आपके पास C1 × C2 का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा? दिस इंटू दिस। सो ये वैल्यू आपके पास आई 5×10^45। तो ये आपके पास बेटा आती है वैल्यू 0.045 × 10^-8, क्योंकि ये तो आपका 1 ही बन जाएगा और ये सीधा सिंपल 10^-8। इक्वेशन नंबर 4। अब आपको C1 प्लस C2 पता है और C1 × C2 पता है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा, यदि C1 प्लस C2 पता है और C1 × C2 पता है तो हम इजीली C1 माइनस C2 का स्क्वायर निकाल सकते हैं।
कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C1+C2 का होल स्क्वायर -4 × C1C2, क्योंकि जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से +2C1C2 आ जाएगा, यहाँ -4C1C2 है, तो आपका सेम ये बन जाएगा फॉर्मूला। आप सारी वैल्यू डाल दो, C1+C2 आपको पता है वो है आपके पास 0.4×10⁻⁴ का स्क्वायर, -4×0.045×10⁸। इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू मिलेगी कौन सी, C1-C2 का होल स्क्वायर, वो वैल्यू मिलती है बेटा 0.07×10⁻¹। ये आपका आ गया C1-C2 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको C1-C2 की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁴ आ गया, और इसका 0.07 का लगभग लगभग आएगा नियर अबाउट 0.26 मान लेते हैं, 10⁻⁴। इक्वेशन नंबर 5। C1-C2 आ गया, C1+C2 आ रखा था, दोनों वैल्यू को सोल्व किया। आफ्टर सॉल्विंग जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए, C1 की वैल्यू आएगी बेटा 0.38×10⁻⁴ फैरड, और C2 की वैल्यू आएगी आपकी 0.12×10⁻⁴ फैरड। आप इन्हें कैलकुलेट करें, दोनों वैल्यू, केवल दो इक्वेशन है बस, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी C1 और C2 की। ठीक है, ये तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल गई, आपको कैलकुलेट चार्ज भी बताना था। चार्ज तो सिंपल है आपका, चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, C1 × V, C1 की वैल्यू ये रही आपके पास, और नेट पोटेंशियल आपको गिवन ये 100 है। सिमिलरली आपका चार्ज Q2 क्या हो जाएगा, C2 × V हो जाएगा, कैपेसिटेंस ये रहा आपके पास, V की वैल्यू गिवन है आपको, तो ये भी फाइंड आउट हो गया। आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया था बोर्ड में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एनर्जी पे ही बेस था, और कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन पे और एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन पे, कि जब दोनों आपके चार्ज कंबाइन होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है। ठीक है, तो ये इसमें एनर्जी आपको गिवन थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अगले वाली, जिसमें मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है एक्चुअली, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे सारे, कि जो फर्स्ट आपके चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 या 6 सालों में आए हैं, केवल फर्स्ट चैप्टर से 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, वो सब मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। कोई भी अगली वीडियो को मिस ना करें, उसके लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।